नमस्कार, आज के नागपुर हलचल में मैं ऐश्वर्या शिंदे आपका स्वागत करती हूं। आइए नजर डालते हैं नागपुर की विविध हलचल पर। जनता को हो रही परेशानी को लेकर मनपा अधिकारियों को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की नाराजगी झेलनी पड़ी। वे मनपा के पीडब्ल्यूडी की कार्यप्रणाली को लेकर बरस पड़े। पानी जमा होने के कारण हो रही त्रासदी को लेकर गडकरी ने संबंधित विभागों के अधिकारियों की बैठक ली। उन्होंने कहा कि सभी संबंधित विभागों को उनके अधिकार क्षेत्र की सड़कों से पानी हटाने की जिम्मेदारी गंभीरता से निभानी चाहिए। मनपा के अलावा प्रन्यास, राज्य सरकार के पीडब्ल्यूडी और एनएचएआई ने जल जमाव होने के बाद पानी निकासी के लिए मेहनत करनी चाहिए थी। मनपा को नए ड्रेनेज सिस्टम के लिए प्रस्ताव तैयार करने के आदेश देते हुए कहा कि इसके लिए आवश्यक निधि की व्यवस्था की जाएगी, किंतु कहीं भी जल जमाव ना हो इसका गंभीरता से ध्यान रखना होगा। चर्चा के दौरान विधायक प्रवीण दटके ने कहा कि सिटी में वर्ष 2011 में सीमेंट रोड प्रकल्प शुरू किया गया था। 2022 से शुरू होने के बाद अब तक ये पूरा नहीं हो पाया। गडकरी ने नाराजगी जताते हुए कहा कि बारिश का मौसम शुरू होने के बावजूद मनपा के पीडब्ल्यूडी द्वारा किए जाने वाले कार्य अधूरे हैं। गडकरी ने तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए। शिवसेना में भारी बगावत के बाद अब पार्टी प्रमुख द्वारा राज्य भर में शिव सैनिकों का मूड भांपने का अभियान शुरू किया गया है। इस सिलसिले में पार्टी प्रवक्ता संजय राउत 2 दिनों के दौरे पर नागपुर आए थे। शुक्रवार को उन्होंने जिले के सभी विधानसभा क्षेत्र के पदाधिकारियों से 1-to-1 चर्चा की। रवि भवन में सुबह 11 से दोपहर 3 बजे तक उन्होंने पदाधिकारियों से संवाद साधा। मार्गदर्शन करते हुए उन्होंने शिव सैनिकों का मनोबल बढ़ाया। उन्होंने कहा कि पार्टी अभी संकट में चल रही है, इसी तरह एकजुट रहे और पार्टी और मजबूती से खड़ा करने में अपना अहम योगदान दे। उन्होंने कहा कि पार्टी पर अनेक बार ऐसे संकट आए हैं, लेकिन हर बार और अधिक मजबूत होकर उभरे हैं। इस बार भी 2 गुनी ताकत से पार्टी खड़ी होगी। शिवसैनिक हमारी ताकत है और वे ठाकरे परिवार के साथ जुड़े हैं। इस दौरान दुष्यंत चतुर्वेदी, प्रमोद मानमोड़े, नितिन तिवारी, प्रकाश जाधव, मंगेश काशीकर, विशाल बरबटे, सुरेश साखरे, मुन्ना तिवारी, पुरुषोत्तम कांद्रीकर, विशाल कोरके सहित पदाधिकारी व शिवसैनिक उपस्थित थे। राउत ने शिवसैनिकों से आगामी मनपा चुनाव की तैयारी में लगने को कहा। उन्होंने कहा कि नर्वस होने की जरूरत नहीं है। पूर्व विधायक आशीष देशमुख ने स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव के निमित्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मांग की है कि वे 75वें राज्य निर्माण की संकल्पना की शुरुआत 30वें विदर्भ राज्य के गठन के साथ करें और आने वाले 15 अगस्त को राष्ट्र के नाम संबोधन में इसकी घोषणा करें। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार में वर्तमान मंत्री उमेश कट्टी ने कहा है कर्नाटक को 2 भागों में विभाजित किया जाएगा और अगले लोकसभा चुनाव के बाद भारत में 50 नए राज्य होंगे। इस मुद्दे पर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहल करेंगे। उन्होंने कहा कि छोटे छोटे राज्य होने से हर जगह का समान विकास संभव हो सकेगा। भारत में सौराष्ट्र, विदर्भ, बघेलखंड, हरित प्रदेश, कोंगुनाडु, गोरखालैंड और बोडोलैंड को अलग करने की मांग के आंदोलन कई दशकों से चल रहे हैं। बड़े राज्य कैसे अक्षम व कमजोर हो जाते हैं, इसका उदाहरण उत्तर प्रदेश है। 1955 के राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष के एम पंडिकर ने इस बड़े राज्य के विभाजन की वकालत की थी। मायावती ने और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने से पहले योगी आदित्यनाथ ने इसी तरह की अपील की थी। देशमुख ने लिखा है कि मैं भारत के कुल 75 छोटे राज्यों का समर्थन करके इसका प्रस्ताव रख रहा हूँ। कोरोना संक्रमितों की संख्या दिनों दिन बढ़ती ही जा रही है, साथ ही अब अस्पतालों में भर्ती होने वाले भी बढ़ने लगे हैं। हालांकि रिकवरी रेट अधिक होने से मामला अब तक गंभीर नहीं हुआ है, इसके बावजूद सावधानी और सतर्कता बेहद जरूरी है। 24 घंटे के भीतर जिले में 188 नए पॉजिटिव मिले। इनमें सिटी में 125 और ग्रामीण में 63 लोगों का समावेश है। इस बीच 142 लोग कोरोना से मुक्त भी हुए। फिलहाल 24 मरीज विविध अस्पतालों में भर्ती है। इनमें मेडिकल में 4, मेयो में 1, किंग्सवे में 5, रेलवे हॉस्पिटल में 2, लता मंगेशकर में 3, केयर में 2, मेडिटिना में 5, शॉर्टेक और क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल में 1-1 मरीज भर्ती है, जिसे कुल 2,100 लोगों की जांच की गई। इनमें सिटी के 1,523 और ग्रामीण के 487 नमूनों का समावेश है। फिलहाल एक्टिव केस 1,013 हो गए हैं। पिछले सप्ताह की तुलना में संक्रमित बढ़ने से एक्टिव केसेस का आंकड़ा 1,000 पार कर गया है। पिछले कुछ दिनों से राज्य में जारी मूसलाधार बारिश की वजह से जिले सहित विदर्भ में नदी नाले उफान पर है। कई सड़कें जलमग्न हो गई है, वही आवागमन पर भी ब्रेक लग गया है। इसी बीच मौसम विभाग ने अगले 2-3 दिनों तक तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। छात्रों की बढ़ती समस्या के मद्देनजर आरटीएम नागपुर विश्वविद्यालय ने शुक्रवार और शनिवार के दिन होने वाली परीक्षा स्थगित कर दी है।
अब 15 जुलाई को होने वाली परीक्षा, 17 और 16 को होने वाली परीक्षाएं 24 जुलाई को ली जाएंगी। विश्वविद्यालय के परीक्षा व मूल्यमापन संचालक डॉक्टर प्रफुल्ल साबले ने बताया कि तेज बारिश की वजह से कुछ सेंटर पर छात्र नहीं पहुंच पा रहे थे। इस बारे में शिकायतें भी मिल रही थी। विश्वविद्यालय ने परीक्षा केंद्रों तक नहीं पहुंचने वाले छात्रों से आवेदन भी मंगाए हैं, ताकि उनकी बाद में परीक्षा ली जा सके, लेकिन शिकायत बढ़ने के बाद विश्वविद्यालय ने 2 दिनों के लिए परीक्षा ही रोक दी है। विश्वविद्यालय के कार्यक्षेत्र में आने वाले वर्धा, गोंदिया, भंडारा में अब सोमवार से ही परीक्षा हो जाएगी। इस संबंध में केंद्र प्रमुखों सहित प्राचार्यों को सूचित कर दिया गया है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष शरद पवार ने संसद भवन परिसर में प्रदर्शनों और धरने पर रोक लगाने के फैसले का शुक्रवार को पुरजोर तरीके से विरोध किया। उन्होंने इसे निर्वाचित प्रतिनिधियों के लोकतांत्रिक अधिकारों पर हमला करार दिया। उल्लेखनीय है कि राज्यसभा सचिवालय ने एक परिपत्र जारी कर कहा है कि संसद भवन परिसर में प्रदर्शन, धरना या धार्मिक कार्यक्रम नहीं होंगे। इस कदम से विपक्ष की त्योरियां चढ़ गई है, जबकि अधिकारियों ने इस तरह के नोटिस को संसद सत्र से पहले जारी करने को नियमित प्रक्रिया का करार दिया है। यहां संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए पवार ने कहा, लोकतांत्रिक अधिकारों पर किसी भी तरह के हमले को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। राज्यसभा सदस्य पवार ने कहा कि विपक्षी पार्टियां शनिवार को दिल्ली में बैठक कर इस मुद्दे पर चर्चा करेंगी और सामूहिक रुख तैयार करेंगी। संसद का मानसून सत्र 18 जुलाई से शुरू हो रहा है। पवार ने कहा कि जब सांसदों की संसद के भीतर आवाज नहीं सुनी जाती है तो वे वॉकआउट करते हैं और परिसर में स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने शांतिपूर्ण प्रदर्शन करते हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि अधिकारों को देने से इनकार किया जा रहा, इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। राज्य में सत्ता परिवर्तन के बाद से इसका सीधा असर निकट भविष्य में होने वाले स्थानीय निकाय चुनावों पर पड़ने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि अभी इस संदर्भ में मुहर नहीं लगी है, लेकिन इस तरह के कई संकेत उजागर हो रहे हैं। राज्य चुनाव आयोग के अनुसार पहले 16 जुलाई को अंतिम मतदाता सूची की घोषणा हुई थी, किंतु अब प्रभाग स्तर पर मतदाताओं के आंकड़ों में अंतर आने का हवाला देते हुए इसमें सुधार कर 21 जुलाई को अंतिम मतदाता सूची घोषित करने की जानकारी उजागर की गई है। राज्य चुनाव आयोग की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार मनपा और मुंबई महानगर पालिका की कंप्यूटर प्रणाली द्वारा कंट्रोल चार्ट प्रोसेस पूरी हो गई, जिसमें प्रभाग स्तर के मतदाताओं के आंकड़े में अंतर दिखाई दिया, जिससे अब इसे सुधारा जाना है। इसके पूर्व राज्य चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार 16 जुलाई को अंतिम मतदाता सूची घोषित करनी थी, किंतु एक दिन पहले 15 जुलाई को नागपुर और मुंबई महानगर पालिकाओं के आयुक्त ने राज्य चुनाव आयोग को इस गड़बड़ी की सूचना का पत्र भेजा। केवल एक दिन पहले उजागर हुई इस गड़बड़ी को लेकर राजनीतिक हलकों में तो आश्चर्य जताया जा रहा है। आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की ओर से लक्ष्मीनारायण इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कैंपस भारत नगर अमरावती रोड में कल सुबह 7:30 बजे से 1,00,000 पौधे लगाने का वृक्षारोपण कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है। इस अवसर पर केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के शुभ हस्ते वृक्षारोपण कार्यक्रम की शुरुआत होगी। कार्यक्रम की अध्यक्षता उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होंगे। अन्य उपस्थित मान्यवरों में राष्ट्रसंत तुकड़ोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर सुभाष चौधरी, विधायक नागो गाणार, प्रवीण दटके, एडवोकेट अभिजीत वंजारी, चंद्रशेखर बावनकुले, कृष्णा खोपड़े, डॉक्टर नितिन राव, विकास कुंभारे, मोहन मते, विकास ठाकरे और समीर मेघे का समावेश होगा। नागपुर महानगर पालिका क्षेत्र के टीकाकरण केंद्रों पर प्रतिदिन टीकाकरण किया जा रहा है, इसीलिए मनपा के सभी टीकाकरण केंद्रों पर आज केवल कोवैक्सीन का टीका उपलब्ध होगा। टीका दोपहर 2 बजे तक दिया जाएगा। टीकाकरण के लिए पंजीकरण ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों पद्धतियों से किया जा सकता है। साथ ही मनपा के स्वास्थ्य विभाग की ओर से टीकाकरण के लिए जाते समय एक पंजीकृत मोबाइल फोन और पहचान पत्र साथ में रखने की अपील की गई है। नागपुर महानगर पालिका एवं ग्रीन विजिल फाउंडेशन की संयुक्त पहल पर मनपा के धर्मपेट जोन के अंतर्गत लॉ कॉलेज चौक क्षेत्र में पूर्णिमा दिवस के अवसर पर जागरूकता पैदा की गई। प्रोफेसर अनिल सोने ने महापौर के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान पूर्णिमा के अवसर पर बिजली बचाने की अवधारणा अमल में लाई थी। गुरुवार को प्रोफेसर अनिल सोले ने स्वयं सेवकों का उत्साहवर्धन किया। जन जागरूकता अभियान के दौरान ग्रीन विजिल फाउंडेशन के स्वयं सेवकों ने क्षेत्र में दुकानों और प्रतिष्ठानों का दौरा किया, दुकानदारों के समक्ष बिजली बचाने के महत्व पर जोर दिया और नागरिकों से कम 1 घंटे के लिए अनावश्यक बिजली उपकरणों को बंद करने की अपील की। क्षेत्र के व्यापारियों ने भी मनपा और ग्रीन विजिल फाउंडेशन के आह्वान पर उपकरण बंद करके अपना योगदान दिया और सकारात्मक प्रतिक्रिया दी।
ग्रीन विजिल फाउंडेशन के संस्थापक अध्यक्ष कौस्तुभ चटर्जी के नेतृत्व में टीम लीडर सुरभि जायसवाल, मेहुल कोसरकर, शीतल चौधरी, विष्णुदेव यादव, श्रिया जोगे, अश्विनी डबले, सुजय कालबांडे, पारस जांगड़े, तृप्ति बांगड़कर आदि ने परिसर में जन जागृति की और व्यापारियों एवं नागरिकों को उनके प्रतिष्ठानों तथा घर में अनावश्यक उपकरण एक घंटे के लिए बंद करने का आह्वान किया। ग्राम पंचायत चुनाव में सरपंच का चुनाव सीधे जनता से किया जाएगा, ये निर्णय हाल ही में राज्य सरकार द्वारा लिया गया है। इस निर्णय की घोषणा राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के द्वारा की गई, जिसके बाद चुनाव लड़ने वाले भावी सरपंचों में हर्ष की लहर दौड़ गई है। राज्य की 12,000 से अधिक ग्राम पंचायतों में अब सरपंच का चुनाव सीधे जनता के द्वारा किया जाना तय हो गया है। इस आशय की घोषणा राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे द्वारा पत्रकार परिषद में की गई है। इस निर्णय के बाद अब पार्श्वनी तहसील के अंतर्गत आने वाले समय में होने वाले 27 ग्राम पंचायत के सरपंच चुनाव अब सीधे जनता द्वारा किया जाना तय हो गया है। ज्ञात हो कि पहले की यूती सरकार द्वारा सरपंच चुनाव सीधे जनता द्वारा करने के आदेश को महाविकास आघाड़ी सरकार द्वारा बदल दिया गया था। अब राज्य में सत्ता परिवर्तन होने और भाजपा शिवसेना की सरकार बनने के साथ ही सरपंच चुनाव सीधे जनता द्वारा होने के कयास लगाए जा रहे थे। पूर्व ऊर्जा मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले के माध्यम से स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने राज्य सरकार को सीधे जनता द्वारा सरपंच चुनाव करने का आवेदन किया गया था। 12 जुलाई को अचानक हुई बारिश के चलते सावनेर तहसील के केलवत थाना अंतर्गत पड़ने वाले नांदा छतरापुर के बीच बहने वाले बामधवाड़ा नाले के पुलिया पर बाढ़ में फंसे स्कॉर्पियो में सवार 6 लोगों की मौत के हादसे का तथा वहां जारी राहत कार्यों का जायजा लेने क्षेत्र के विधायक तथा पूर्व मंत्री सुनील केदार पहुंचे। साथ ही पूर्व जिला उपाध्यक्ष मनोहर कुंभारे आदि ने घटना स्थल पर पहुंचकर सर्वप्रथम मृतक परिवार से मिलकर उन्हें सांत्वना देकर उनका हौसला बढ़ाया। साथ ही घटना के बाद से ही घटना स्थल पर तैनात तहसीलदार प्रताप वाघमारे, नागपुर जिला ग्रामीण के पुलिस अधीक्षक विजय कुमार मगर, बीडीओ दीपक गरुड़, केलवत के थानेदार अमित अतराम, पंचायत समिति सदस्य गोविंद ठाकरे, राज्य आपदा प्रबंधन अधिकारी आदि से चर्चा बचाव कार्य का जायजा लेकर उनके द्वारा शव ढूंढने हेतु चलाए जा रहे युद्ध स्तरीय प्रयासों की सराहना की। मंत्री केदार के घटना स्थल पहुँचने के पूर्व ही एक मृतक का शव जुनेवानी तालाब के करीब के नर्सरी में तो दूसरा शव भी करीब ही पाए जाने की पुष्टि राज्य आपत्ति प्रबंधन टीम द्वारा की गई। शव निकालने की प्रक्रिया अंतिम चरण में होने तथा बचे हुए शव को भी ढूंढने के प्रयास जारी होने की जानकारी पुलिस अधीक्षक विजय कुमार मगर तथा सावनेर तहसीलदार प्रताप वाघमारे ने दी। दयानंद आर्य कन्या महाविद्यालय के राष्ट्रीय सेवा योजना द्वारा विश्व जनसंख्या दिवस मनाया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉक्टर तनुजा राजपूत ने की। उन्होंने कहा कि आज प्रत्येक देश बढ़ती हुई जनसंख्या से परेशानी है। वर्तमान में यदि जनसंख्या नियंत्रित नहीं की गई, तो हमारे लिए आने वाले समय में बहुत बड़ा संकट निर्माण होगा। विशेष अतिथि अनिता शर्मा, सहायक प्राध्यापक दयानंद कॉलेज, ने कहा कि जनसंख्या बढ़ाने के कारण बेरोजगारी, कालाबाजारी, मूल्य वृद्धि, हिंसा आदि समस्याएं विकराल रूप ले रही है और हमें समय रहते हुए इस पर नियंत्रण लगाना चाहिए। कार्यक्रम में छात्राओं ने अपने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम का संचालन खुशी तुरुकवाने ने किया। अतिथि परिचय एवं धन्यवाद सौम्या शर्मा ने किया। कार्यक्रम की रूपरेखा डॉक्टर रितु तिवारी की थी। जीएच रायसोनी पब्लिक स्कूल नागपुर के वाणिज्य विभाग के छात्रों ने कॉलेज परिसर में वृक्षारोपण अभियान का आयोजन किया। इस अभियान में विद्यार्थियों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया और पौधे लगाने में एक दूसरे की मदद की। स्कूल और छात्रों द्वारा एक साथ उठाए गए ऐसे छोटे कदम निश्चित रूप से आज के बच्चों के बीच मजबूत मानसिक और सामाजिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में मदद करेंगे, ताकि वे अपने साथियों, अपने बड़ों तथा समुदाय को अपने पर्यावरण से जोड़ सके। इस अवसर पर रायसोनी बिजनेस स्कूल की निदेशक डॉक्टर आरती देशपांडे ने शिरकत की और विभाग अध्यक्ष अरुमिता पावा के मार्गदर्शन में इस अभियान का आयोजन किया गया। धरती पर असंतुलित हो रहे वातावरण को देखते हुए पर्यावरण संबंधी सावधानियां बरतने की जन जागृति करने के उद्देश्य से दीपक एजेंसीज के संचालक दीपक लालवानी तथा जयश्री ट्रेडर्स की संचालिका सोनल लालवाली ने सेव प्लैनेट संदेश रथ का निर्माण किया गया था। इस रथ ने शहर के विभिन्न इलाकों में भ्रमण किया है। रथ के माध्यम से जन जागृति के बाद जन सहयोग से ही हमें अनेक प्रकार की सफलता मिल सकती है। सेव प्लैनेट संदेश रथ पर सेव वाटर, सेव एनर्जी, सेव फॉरेस्ट, सेव वाइल्ड लाइफ, स्टॉप ग्लोबल वार्मिंग, कीप अर्थ प्लास्टिक फ्री, यूज सोलर एनर्जी तथा इस तरह कुल 11 संदेश दिए गए। लालवानी दंपति पिछले 20 वर्षों से लगातार नागपुर शहर में जागरूकता लाने हेतु अनेक सामाजिक कार्य कर रहे हैं।
इसके पूर्व भी भैरव सिंह शेखावत, प्रणब मुखर्जी, अटल बिहारी वाजपेयी, नरेंद्र मोदी, अरुण जेटली, भगत सिंह कोश्यारी, नितिन गडकरी, वसुंधरा राजे सिंधिया, शिवराज पाटिल, डॉक्टर हर्षवर्धन, अशोक गहलोत ने ललवानी दंपति के जनहित कार्यों की सराहना कर उन्हें शुभकामनाएं दी। शुक्रवार को डॉक्टर वसंतराव देशपांडे सभागार में कृषि विकास प्रतिष्ठान नागपुर द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में डॉक्टर सी डी माई कृष्ण तज्ञ पुरस्कार से राकांपा अध्यक्ष शरद पवार के हाथों वरिष्ठ लेखक डॉक्टर सुधीर भोंगले को सम्मानित किया गया। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी बतौर कार्यक्रम अध्यक्ष उपस्थित थे। पूर्व गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल, सुनील केदार, हर्षवर्धन देशमुख, वरिष्ठ समाज सेवी डॉक्टर गिरीश गांधी, एडवोकेट निशान गांधी सहित शहर के गणमान्य नागरिक प्रमुखता से मंच पर मौजूद थे। इंडियन इंस्टीट्यूशन ऑफ ब्रिज इंजीनियर्स की ओर से शुक्रवार को महामेट्रो के प्रबंध निदेशक डॉक्टर ब्रिजेश दीक्षित को प्रतिष्ठित स्पेशल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर बोलते हुए डॉक्टर दीक्षित ने पुरस्कार के लिए IIBE को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि ये सम्मान और पुरस्कार मेरी टीम को जाता है, जिन्होंने परियोजना की प्रगति के लिए समय समय पर मेरे पीछे रहकर कड़ी मेहनत की। हारने वाली टीम में कोई विजेता नहीं होता है और जीतने वाली टीम में कोई हारता नहीं है। उन्होंने महामेट्रो टीम में टीम वर्क के महत्व को दोहराते हुए कहा, उन्होंने कहा कि पिछली सदी की बजाय अब तकनीक बहुत बदल गई है। जैसे जैसे प्रौद्योगिकी में बदलाव होता है और नई प्रौद्योगिकियां आती है, ये जरूरी है कि आप अपनी अगली पीढ़ी को प्रशिक्षित करें और मार्गदर्शन करें और इन परिवर्तनों के लिए तैयार रहे, क्योंकि गुणवत्ता को सभी स्तरों पर बनाए रखना जरूरी है। भारतीय रेलवे के साथ अपने कार्यकाल के बारे में चर्चा करते हुए उन्होंने शानदार विक्टोरियन टर्मिनस का उदाहरण पेश किया। इस इमारत का निर्माण 1888 में तत्कालीन ब्रिटिश शासकों द्वारा तकनीक और मशीनरी के अभाव में किया था, जिसे हम आज सामान्य रूप से देखते हैं। दादा धाम प्रणेता नरेंद्र दादाजी की प्रतिमा एवं समाधि की प्राण प्रतिष्ठा के साथ 14 जुलाई को दादा धाम में 3 दिवसीय भव्य गुरु पूर्णिमा महोत्सव सम्पन्न हुआ। महामंडलेश्वर पूज्य माधव दास जी महाराज ने कहा कि मेरे जीवन में दादा धाम और नरेंद्र दादाजी के साथ जुड़ना खुशी और सौभाग्य की बात है। उनका जीवन उल्लेखनीय है और आध्यात्मिक उत्थान के मामले में समाज में उनका योगदान अमूल्य है। नागपुर नगरी में आज नरेंद्र दादाजी जैसा कोई संत नहीं रहा, ऐसा निवेदन उन्होंने किया। वेदाचार्य विष्णु शास्त्री आर्विकर ने सभी के जीवन में गुरु के महत्व के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि ये सभी भक्तों का भाग्य है जो कि दादाजी जैसे गुरु का आशीर्वाद उन्हें प्राप्त हो सका। गुरु का निरंतर स्मरण ही जीवन का उद्धार कर सकता है। उपस्थित सभी भक्तगणों को आशीर्वाद देते हुए पूज्य ताई जी ने कहा कि दादाजी धुनी वाले महाराज और नरेंद्र दादाजी का आशीर्वाद सदैव सभी भक्तों पर रहे, ऐसी प्रार्थना आज मैं करके सभी भक्तों को गुरु पूर्णिमा की शुभकामनाएं देती हूँ। इस वर्ष गुरु पूर्णिमा कार्यक्रम की शुरुआत पहले दिन 12 जुलाई को गुरु ग्रंथ के पाठ के साथ भव्य तरीके से हुई। अमरावती में हैजा से हुई मौतों पर गहरी चिंता और संवेदना प्रकट करते हुए मेडिकल सर्विस सोसाइटी नागपुर के अध्यक्ष डॉक्टर नईम नियाजी ने प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए कहा है कि बारिश के दिनों में शहरवासियों को स्वास्थ्य के प्रति अत्याधिक सावधानियां बरतने की आवश्यकता है। बारिश के कारण बहुत से स्थानों में पानी जमा होने से मच्छरों का प्रकोप बढ़ सकता है। पानी के दूषित होने से बहुत से संक्रमित रोग पनप सकते हैं। सर्दी, फ्लू, बुखार, उल्टी, दस्त, सिर और बदन दर्द जैसे समस्याएं व्यक्ति को बीमार कर सकती है। प्रशासन की हिदायतों के साथ हमें कुछ सावधानियों पर ध्यान देने की अत्याधिक आवश्यकता है। हमें घर के आसपास पानी और गंदगी जमा नहीं होने देना चाहिए। साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। खानपान के संबंध में सड़ी गली सब्जियों की खरीदारी से बचना चाहिए। बारिश के कारण सब्जियों में कीटाणु होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। यदि इन्हें उपयोग में लाया जा रहा है तो पहले एक बर्तन में स्वच्छ पानी लेकर थोड़ी देर के लिए सब्जी को उसमें भिगोकर उसे धीरे धीरे हिलाते जाना चाहिए। तत्पश्चात उसे छन्नी में रखकर तेज धार वाले पानी से ऐसा धोना चाहिए कि वह पूरी तरह गंदगी और कीटाणुओं से मुक्त हो जाए। क्षेत्र में मंगलवार सुबह 8 बजे से बुधवार सुबह 8 बजे तक 225 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। मंगलवार की शाम करीब 5 बजे से 2 घंटे तक हुई मूसलाधार बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया। अतिवृष्टि के कारण उमरेड के कई इलाके जलमग्न हो गए। फोरलेन मार्ग के किनारे बनी नालियों में अन्य स्थानों के पानी की निकासी की उचित व्यवस्था नहीं होने के कारण समस्या और बढ़ गई। बुधवार की सुबह तक साई कृपा नगर में बनाई गई भूमिगत नालियों के चेम्बर के ढक्कनों से पानी बाहर आ रहा था। वेकोली परिसर के कई घरों में पानी घुस गया, जिसके कारण नागरिकों को परेशानी का सामना करना पड़ा।
उमरेड नगर परिषद के सीईओ मंगेश खवले ने सहकर्मियों के साथ जलमग्न हुए इलाकों का दौरा किया। विकोली परिसर से बहने वाली आम नदी का जलस्तर भी काफी बढ़ गया था। तहसीलदार संदीप कुंडेकर के अनुसार बरसात की वजह से तहसील के 33 घरों को आंशिक नुकसान पहुंचा है। तो नागपुर हलचल में आज इतना ही, कल फिर मिलेंगे। देखते रहिए वीकेबी न्यूज़। नमस्कार।